नमस्कार, लोकसभा चुनाव के लिए हमारी खास पेशकश भारत के मन की बात प्रभा साक्षी के साथ में आपका स्वागत है। हम लोग हैं नागपुर में, एक सरकारी बस में हैं। थोड़े बहुत हिचकोले हम भी झेल रहे हैं, इसलिए आप भी हो सकता है थोड़ा सा आपको भी ये फुटेज में झेलना पड़े, तैयार रहिएगा उसके लिए। लोगों से बात करके जानते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या चुनावी माहौल है और जो वादे किए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से उसमें कितना दम है, आइए बात करते हैं। जी नमस्कार आपका, और अभी क्या माहौल है यहाँ पे महाराष्ट्र में, बात करें नागपुर में बात करें तो किस पार्टी का आपको प्रेरणा भारी लग रहा है? भाजपा का ही, देवेंद्र जी फडणवीस ने बहुत प्रोग्रेस की है यहाँ पे। अच्छा, मेट्रो आई है, अभी शुरू हो गई है, डेवलपमेंट पे है। तो मिहान जैसे बाहर बुटेबोरी जो कामगार लोगों को आना पड़ता था उनको, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है। जी जी। तो अच्छे हमारा वोट तो उनके लिए रहेगा। अच्छा। और एक इस चुनाव को ना एक ये भी बना दिया गया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर क्या चॉइस है? जी बीजेपी को भी रहेगी। और खासतौर पर क्योंकि अब नागपुर में है तो एक तबका ये भी कहता है कि नितिन गडकरी भी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मोदी और गडकरी में अगर चूज करना पड़े तो? फिलहाल तो मोदी जी है क्योंकि इनको एक्सपीरियंस, उनके काम करने का ढंग बहुत अच्छा है। लेकिन अगर गडकरी की भी होंगे उनके बाद में तो ठीक ही है, अच्छा ही है, बेटर है। जी आपका मन क्या कहता है, अभी क्या चुनावी माहौल है यहाँ पे? तो कुछ नहीं, सब कामगार वो माजी वो मेट्रो का शुरू है और सभी मोदी जी का ही माहौल चल रहा है यहाँ पे, तो ऐसे लगता है कि बीजेपी का ही रहेगा। और अभी जैसे हम सरकारी बस का हाल देख रहे हैं उसके देखते हुए मतलब युवा खासतौर पे मेट्रो को तवज्जो देते हैं? हाँ, मेट्रो का ज़्यादा है क्योंकि सरकारी बस में तो ज़्यादा नचले खाना पड़ रहा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब लोग सोचेंगे कि मेट्रो में ही जाना है करके, तो इसलिए अभी महाराष्ट्र के हाल देख के तो ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है तो बीजेपी का ही जाएगा। और बात करते हैं आपसे। हाँ जी भैया, क्या आपको माहौल लग रहा है यहाँ पर बीजेपी का? है सर, बीजेपी का। ऐसा क्यों? ऐसा है लेकिन उसका काम, उसका इंटरनेशनल जो लेवल काम है उनके मोदी के, वो हमारे अब अच्छे है। आप क्या सोचते हैं जी, किस बार, इस बार किसकी सरकार? मोदी। अच्छा, मोदी जी की। और राहुल गांधी भी यहाँ पे प्रचार के लिए आ रहे हैं 4 तारीख को नागपुर में, कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जी अभी आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या माहौल है इस बार? मोदी सरकार जी? मोदी सरकार का माहौल है, मोदी सरकार का। महिला सुरक्षा के बारे में बात करें तो राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में तो है ही, कितना पिछले अगर 5 वर्षों में अंतर हम देखें तो कुछ अंतर आया, कुछ पहले से हालात बेहतर हैं या खराब है? बेहतर है, पहले से बेहतर है। मोदी जी के लिए एक ही मेरा कहना है कि सबके लिए तो करते हैं लेकिन जो एजुकेटेड युवक है, पढ़ाई तो कर चुके हैं लेकिन उनके लिए कुछ काम धंधा नहीं है, तो उनके इसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे, ये कहना है मेरा। हाँ, बाकी तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, हम प्रसन्न हैं। हाँ, तो इस बार कांग्रेस और एनसीपी मिलके लड़ रही हैं, आपको लगता है कि बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे इस बार यहाँ पर? लगता तो है क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस ही थी, अभी बीजेपी का तो जोर चल रहा है, तभी ऐसा अभी तो बीजेपी चल रही है ऐसा लग रहा है। जी हाँ, आप बताइए, आप नागपुर से ही हैं? नागपुर से ना, मैं आंध्रा से। अच्छा, आंध्रा से। तो आपसे आंध्रा के बारे में बात करते हैं, या नागपुर से आंध्रा के बारे में, ज़्यादा दूरी नहीं है आंध्रा की यहाँ से, लेकिन क्या माहौल है इस बार? तो चंद्रबाबू इस बार अलग भी हो गए थे एनडीए से और अभी मोदी जी भी वहाँ पर लगातार रैली कर रहे हैं, आज भी जा रहे हैं आंध्रा। तो यहाँ आंध्रा में क्या है ना, तो लास्ट 5 ईयर से चंद्रबाबू नायडू डिड नथिंग इन आंध्रा, सो एक्चुअली आंध्र पीपल थिंकिंग अबाउट गिव चांस फॉर द जगन, सो लाइक दे आर थिंकिंग दैट, तो इन कंट्री वाइड वाइड गिव चांस फॉर द मोदी बिकॉज ही डिड समथिंग, ही डिड गुड फॉर द इंडिया, तो डेमोक्रेटिकली एंड डिफेंस यू हैव सीन लास्ट 2-3 months back also they are surgical strikes. So now you see the China and Pakistan, they are thinking something. If I do something to India, they can do opposite to us.
So if you give the same chance to Rahul Gandhi, the India will go 10 years back. So that is the way. हाँ जी, आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल? मोदी जी आने को ना अच्छा है। अच्छा, तो जो सरकार वादे करती है कि हमने पिछले 5 सालों में सब वर्गों के लिए काफ़ी कुछ किया है, आप भी उससे सहमत हैं? नहीं, बहुत कुछ किया है ना मोदी जी ने। अच्छा। हाँ, बहुत कुछ किया, इंटरनेट लाया और 2 नंबर के धंधे वो बहुत कम हो गए। हाँ, अच्छा किया। अच्छा। और इस साल 5 साल वो भी आने को। अच्छा। हाँ, मोदी जी आने को। जी जी। बेटा, आप टीवी देखते हो? हाँ, टीवी देखते हो। आपको पता है कौन है प्रधानमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, बताओ आप? मोदी जी, मोदी जी। मोदी जी, मोदी। सभी बच्चे का मन नहीं है जी। आप क्या सोचते हैं इस बार? मोदी आने को ना। मोदी 5 साल में बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। हमारी तो यही कामना है कि इस बार भी मोदी आए, भ्रष्टाचार बंद कर दिया उन्होंने, गरीब लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रहा है GST की वजह से, लेकिन मोदी आने को ना। जी नमस्कार। इस बार क्या माहौल आपके? माहौल इस बार बीजेपी का है। बीजेपी का है, ऐसा क्यों? काम किया है गडकरी जी ने, काम किया। अभी हमारे वर्धा में भी किया है रामदास जी तड़क जी ने, वर्धा में माहौल बीजेपी का डेली आना जाना। ट्रांसपोर्ट के मामले में हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ अभी मेट्रो का काम चल रहा है, बाकी सब चीज़ें भी चल रही हैं, और वैसे साफ सफाई के मामले में भी पहले से कुछ बेहतर हुआ? बेहतर हुआ, बहुत बेहतर हुआ है। अभी थोड़ी काम चल रहा है, तबियत थोड़ी तकलीफ तो होंगी, अभी आने वाले 5 साल के बाद में और तकलीफ नहीं रहेंगी इतना। साफ सफाई में भी गडकरी जी काम कर रहे हैं उसमें। और महाराष्ट्र का खासतौर पे ये जो विदर्भ का क्षेत्र है, इसमें बड़ी समस्या रहती है खासतौर पे किसानों की आत्महत्याओं की। पहले आपको लगता है कि पहले से हालात कुछ बेहतर हैं या अभी भी सरकारों को बहुत कुछ करना बाकी है? तो है बेहतर, अभी कुछ लोग ऐसा नहीं कि कर रहे आत्महत्या, आत्महत्या कर रहे, लेकिन उसमें कुछ कारण नहीं है। अभी आप, तुमको पता, जितना ज़्यादा आपको ये चाहिए लोन चाहिए, उसके ज़्यादा लोन है तो थोड़ा सा कुछ अपना एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अपने को भी अपनी जितना ले सकते हैं और जितना वापस कर सकते हैं वही हिसाब से लेना चाहिए ना। आप एकदम से 20 लाख लोगे वो हिसाब से आपको वापस भी करना पड़ेगा ना। आप बैंक चलोगे, बैंक को दोगे तो बैंक दूसरे को देगा। जी जी, ये बात है ना। जी जी, अपने को जितना ज़्यादा उतना ही लोन लेना चाहिए ना। जी, जी, अभी वो तो नैसर्गिक है तो थोड़ा कम ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा आत्महत्या के लिए कोई इतना ये है नहीं। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 72,000 रुपये सालाना दिया जाएगा, उसका लगता है कुछ? राहुल गांधी कुछ भी बोलता है, राहुल गांधी के लिए कुछ है नहीं, वो तो कुछ भी बोलता है। आगे वो जब अपने को 12,000-6,000 देगा महीने का, तो बाकी हमको जरूरत है ना सर्विस करने की, महीने का फ्री में दे रहा है 6,000, तो काय के लिए सर्विस करेंगे? आराम से बैठ जाते ना, सब लोग ऐसे करेंगे ना फिर, बराबर ना। अभी साल को 72,000 देंगे, 72,000 आता कहाँ से? हम लोग पैसा भरेंगे, टैक्स देंगे, तभी 72,000 आएंगे ना। अभी फ्री में दे रहे हैं सबको, तो फिर लोग काय की जरूरत है ना सर्विस करने की, लोगों को बैठ जाएंगे आराम से। ये भी बात है ना। आप क्या सोचते हैं जी इस बार किसकी सरकार? मैं तो सोचता हूँ कि बीजेपी सरकार थी, बीजेपी रहे। अच्छा। क्योंकि मोदी बोले तो अपने इंडिया का ही नहीं, विश्व का भी मुरीद है। विश्व के लोग मोदी के मुरीद बन चुके हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मोदी फिर से आए और क्या है ना, बम्पर वोटों के साथ में आए। बस यही है। महिलाएं क्या सोचती हैं इस बार किसकी सरकार? मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी सर, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी इसके बारे में। जी भाई साहब। हाँ जी, नहीं बोल रहे। हाँ जी भाई साहब, इस बार किसकी सरकार? नहीं, बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी के सिवा दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा है। अच्छा। हाँ, तो बीजेपी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? हाँ, वो क्रेज सिर्फ एक व्यक्ति की है मोदी की, लेकिन उसका पार्टी फायदा पार्टी को हो रहा है, फायदा पार्टी को हो रहा है। ऐसा हमने बहुत सारे संसदीय क्षेत्रों में देखा कि स्थानीय उम्मीदवार के प्रति नाराजगी है, लेकिन लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो उन्हीं को बनाना है। सही बात है, लेकिन उस आदमी का कंट्रोल भी दिख रहा है पूरा। हाँ। रोड टू बॉटम कंट्रोल भी दिख रहा है, तो वो आदमी को देखकर भी वोट देते हैं तो दिक्कत नहीं है ना। और पिछले अभी हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, उसमें देखा था हमने कि नोटा पर बहुत सारे वोट पड़े थे, इस बार आपको लगता है कि उससे लोग बचेंगे और फैसला लेंगे कोई? नहीं, नोटा क्या ऐसा है कि ये तो यानी वो लोकल इशू है, अगर लोगों को पसंद नहीं है वो उम्मीदवार तो लोग उस पर देंगे, तो हर जगह ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, है ना।
जी मैडम बात करेंगे। अभी महाराष्ट्र में क्या चुनावी माहौल है, खासतौर पे हम नागपुर से वर्धा की ओर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मिक्स्ड फीलिंग्स है क्योंकि अभी दोनों गवर्नमेंट के प्रोज एंड कॉन्स पता है, तो इट्स अ वेरी गुड टफ कॉम्पिटिशन अकॉर्डिंग टू मी। तो और वैसे अगर पसंद के तौर पर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हमारे देश में 4-5 नाम तो हैं ही, जैसे मान लीजिए मोदी देवी हैं, राहुल गांधी हैं, शरद पवार हैं, नितिन गडकरी हैं, मायावती, अखिलेश। आपको अगर युवा के तौर पे किसको पसंद करेंगे? युवा के तौर पे कुछ बोल नहीं सकते अभी। कुछ बोल नहीं सकते नहीं। और वैसे अगर ये पूछें कि अगर 5 साल में नागपुर के विकास की बात करें तो कुछ पहले से हालात बेहतर हैं? है, बहुत डेवलपमेंट है, पर एक तरफ से मनी भी सकअप हो गई है एकदम से मार्केट से, तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल भी लगती हैं कुछ कुछ, बस इतना ही। नागपुर से हो? नागपुर। नागपुर का युवा क्या सोचता है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री देखा जाए तो अभी बोलेंगे तो हमारे हिसाब से नितिन गडकरी जी बनना चाहिए। अच्छा, और नितिन गडकरी को नहीं बनाती बीजेपी तो किसको बनना? मोदी जी को बनना चाहिए, किसी और को बनना चाहिए? मोदी जी को छोड़कर और कोई भी है ना चल जाएंगे। अच्छा, ये कह रहा, हमें यहाँ पे पहली ऐसी वॉइस मिली है जिसमें हमारे को मिले हैं जो बता रहे हैं कि मोदी जी को छोड़ के कोई और बनना चाहिए, बीजेपी से ही बनना चाहिए, लेकिन आपको ये कहना है? जी जी, अगर सरकार बनती है तो जरूर नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर नितिन गडकरी जी बने तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, वो डेवलपमेंट करते हैं इस वजह से या कुछ और कारण है? डेवलपमेंट के वजह से अगर देखा जाए। और नौकरी वोकरी की जो समस्याएं थी कुछ पहले से बेहतर हुई हैं, कुछ मतलब मिलने में आसानी, या अभी भी संघर्ष वगैरह करना ही पड़ता है? सर, संघर्ष तो शुरू से ही करना पड़ता है सर, कॉम्पिटिशन बहुत है, टफ है, तो वो तो चलते रहता है सर, ऊपर नीचे होते रहता है। अगर देखा जाए तो ज़्यादा भी हुई है और कम भी हुई है, और लोग चलते रहता है सर, तो इसके मामले में कुछ बोला नहीं जा सकता एकदम से। महिला के तौर पर आप क्या महसूस करते हैं? हाँ, आना ही चाहिए मोदी। आना ही चाहिए, ऐसा क्यों, क्या खास बात है? प्रगति तो बहुत हुई है पहले से। जी, नौकरी का शिकायत थे बस। हाँ, वो भी आ जाएगी सर, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। सर, लड़की बचाओ, लड़की पढ़ा के क्या फायदा हुआ नौकरी का? नहीं आएगी। मेरे साथ है मातृशक्ति सरिता जी, और सरिता जी इस सरकारी बस में कंडक्टर हैं और दिन रात अपना मेहनत करके परिवार पाल पोस रही हैं। सरिता जी, आपका स्वागत है पहले तो, और आप जैसी जो महिलाएं युवतियां सबको शक्ति देती हैं कि किस तरीके से आप लोग घर से निकलकर घर भी संभालती हैं और बाहर भी अपना कामकाज देख रही हैं। आपका अगर बात करें मुख्य तौर पर समस्याएं आप लोगों को क्या फेस करनी पड़ती हैं दैनिक जीवन में? लोगों की बात सुनना पड़ता, टिकट के पैसे चिल्लर नहीं रही थी तो वो बोलती कि चिल्लर लेके आओ, हम तुम देंगे तो हमारे पास चिल्लर रहेंगे जी। और ये पगार बहुत कम है और टेंशन बहुत ज़्यादा। हाँ। बोले तो सब पर ख्याल रखना पड़ता, किसकी टिकट रही किसकी जी, नहीं रही जी, और चेकिंग वाले आ जाते, फिर भीड़ रही तो एक आधा टिकट रह जाता है। समस्या है, घर भी है। और जाहिर सी बात है आप सरकारी नौकरी में तो ये नहीं बता सकते किसी पार्टी के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको एक माहौल कैसा लग रहा है इस बार चुनाव? माहौल तो मोदी जी आएंगे इस बार भी। मोदी जी आएंगे, क्या अच्छा लगता है मोदी? ये अब सब उधर देश पर घूम कर आकर इधर अपने उधर वो क्या बोले तो फैसिलिटी और बहुत ज्यादा है, साफ सफाई टॉयलेट्स काफी बनवाए हैं, टॉयलेट बहुत बनाए हैं। और ये उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना के बारे में सुना है आपने कुछ? नहीं, उसके बारे में नहीं सुना। महंगाई पहले से कैसे लगता है, कम है ज्यादा है? ज्यादा है, बहुत महंगाई है, उसके हिसाब से पगार कम है? पगार कम है, एसटी वाले को बहुत पगार कम है। मोदी जी से यही विनती है कि हमारा पगार बहुत सबसे होना चाहिए। महिलाओं को वैसे भी ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि उनके अपने शॉपिंग के खर्चे भी होते हैं। 10,000 में कुछ नहीं होता जी, जी। घर खर्चा भी 7,000 हो जाता है, रूम भाड़ा ये पकड़ कर जी, 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 जी।
और बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई का कुछ जो अगर बात करें फीस की, तो कुछ पहले से लोन भी निकालते हम, हमारी एसटी की बैंक है उसमें से लोन निकालते हैं। अच्छा। और पढ़ाई भी पूरी करते हैं, हमारे सैलरी से कटती हो गई। काफ़ी वैसे मुश्किल कठिन जीवन से आप गुजर रहे हैं, आपका जी बताएं कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोले तो क्या बोले, कठिन तो बहुत है, एसटी में हमारे पगार कम है, यही है कि हमारा पगार थोड़ा बढ़ना चाहिए। हमको भी सरकारी इसमें लेना चाहिए, हमारे प्राइवेट है ना। जी नहीं नहीं बिल्कुल हम भी जो अथॉरिटीज़ तक आपकी बात पहुंचाएंगे ज़रूर। और देखा आपने इस सरकारी बस में जो हमारे सहयात्री हैं, तो भारत के मन की बात जो आम लोग हैं, यही लोग हैं जो तय करते हैं सरकार किसकी बनेगी। इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि नागपुर से वर्धा की ओर जाते हुए हमने जो लोगों से बातचीत की, लोगों के मन में क्या है। बने रहिए प्रभा साक्षी के साथ, ऐसी और रिपोर्टें आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते रहेंगे भारत के विभिन्न जगहों से।